गाइज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स M416 गन का हर एक स्कोप के साथ 2x, 3x, 4x, 6x, होलो और रेड डॉट सभी स्कोप के साथ आप लोग का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अच्छे से देखें। देखिए आप लोग देख सो तो मैं स्प्रे करके आप लोग को खुद दिखा रहा हूँ। अभी देख सो तो मेरा जो रिकॉइल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो तो आपका भी रिकॉइल बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपका भी सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्लोज रेंज का लिए भी बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स क्या होता है सब कुछ मैंने बताया। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अच्छे से देखें। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस सेंसिटिविटी को बनाने से पहले मैंने जो है बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स को मैंने देखा है। जोनाथन भाई होगा, स्नैक्स हो गया, मॉटल हो गया, स्काउट हो गया, सबका सेंसिटिविटी मैंने देखा। उसके बाद मैंने इस सेंसिटिविटी को बनाया। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में इसी सेंसिटिविटी को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको सेटिंग में चला जाना। जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्लिक कर देना। करने के बाद आपको नॉर्मल यहाँ पे सेंसिटिविटी मिलेगा जो भी आपका है पहले, ठीक है। बट आप लोगों को मैं अभी जो सेंसी बताने वाला हूँ उस सेंसी को आप लोग इधर पे भी ऐड कर सकते हो, और चाहो तो अलग से M416 गन का पूरा डेडिकेटेड सेंसी भी बना सकते हो। कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए आप लोग ऊपर मिलता है जो है एडवांस सेटिंग, तो एडवांस सेटिंग में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे गन का अलग अलग सेंसी ऐड करने का मौका, ठीक है, मतलब जगह मिलेगा। तो इधर पे आप लोग ऐड करके कोई भी गन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे मैं जो स्कारल को ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद एड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्कारल जो है ऐड होकर आ चुका। इसी टाइप से स्कारल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मैं आप लोग को दिखाने वाला M416 गन का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। तो देखिए मैं सबसे पहले सबसे नंबर वन पे मेरा M416 गन का यहाँ पे सेंसिटिविटी है। तो अभी मैं आप लोग M416 गन का पूरा सेंसिटिविटी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से पूरा नोट कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। या फिर एक और दूसरा मोबाइल में वीडियो देखिए, एक मोबाइल में आपका गेम को ऑन करके सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बेस्ट सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं मेरा जो रिकॉइल है बहुत कम है, बहुत ही अच्छा मैं स्प्रे कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर वन सेंसिटिविटी जो बताने वाला हूँ वो है जो है हमारा कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी में आपको क्या होता है, कैमरा सेंसी जो है आप लोगों को थर्ड पर्सन नो स्कोप में आप लोगों को क्या करना, कैमरा सेंसी जब आप गोली वाली नहीं चला रहे हो, हाथ में गन नहीं है, जो भी आप देखने को मिलता है उसको कैमरा व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैमरा व्यू में कैमरा सेंसी जो है सबसे पहले थर्ड पर्सन को आप लोग रखना है 198, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन को रखना है 198 सेम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक जा सकते हो, मैं बोलूँगा इतना ही रखो, मेरा इतना ही रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कैमरा सेंसी में ही TPPM को आप लोग रखना है 40, ठीक है। TPPM को 40 रखना है, FPPM को रखना है आप लोगों को सेम 40, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेड डॉट, तो रेड डॉट को आप लोगों को क्या रखना है, रेड डॉट को रखना है 168 तक या फिर 170 तक रख सकते हो, मतलब 170 तक। तो मैं यहाँ पे 68 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, हमारा आता है यहाँ पे 2x स्कोप सेंसिटिविटी। तो 2x स्कोप में आप लोगों को क्या रखना है, 2x स्कोप को आप लोग रखना है यहाँ पे 2x आप लोगों को जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखने में 38 रखना है 2x स्कोप, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आता है नीचे देखने को मिलता है 3x स्कोप को आपको रखना है सेंसी में 3x स्कोप को 23 रखना है, ठीक है। 3x को 23 रखना है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 4x स्कोप को 20 रखना है, 4x स्कोप 20 रख दिया। और उसके बाद हमारा आता है बेस्ट सेंसी जो है बोलते हैं सभी लोग 6x स्कोप, तो 6x स्कोप आप लोगों को यहाँ पे रखना है 9। तो आप लोग बोलेंगे भाई इतना कम क्यों सेंसी रख रहे हो भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो कैमरा सेंसी होता है उस कैमरा सेंसी को आप लोगों को ज़्यादा नहीं रखना होता, क्योंकि कैमरा सेंसी का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। कैमरा सेंसी का गन कोई गोली चलाने से रिकॉइल कंट्रोल से उसमें कोई उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कैमरा सेंसी को आप लोग कम रखना है। तो कैमरा सेंसी आप लोग सबसे पहले बता दे, देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। तो कैमरा सेंसी हो गया हमारा। अभी आता है हमारा ADS सेंसिटिविटी। नॉन जीरो प्लेयर्स के लिए ADS सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लोग ऑलवेज जीरो प्लेयर हो तो आप लोगों को ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए ADS सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद सेंसी नहीं है। तो आप लोगों जो आप आज मैं बता रहा हूँ ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए ही सेंसी, तो आप लोग ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट पर्सन नो स्कोप है इसको आप लोगों को रखना है करीब यहाँ पे 140 तक, ठीक है 140। और उसके बाद आप लोगों को जो है फर्स्ट पर्सन को रखना है आप लोग यहाँ पे 105 रख सकते हो, 104 रख सकते हो, ठीक है। मेरा जो है 104 है, मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो दिखने को मिलता है TPPM, FPPM, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, तो इन सब जो स्कोप है इसको आप लोग अगर ऑलवेज जरूर प्लेयर हो तो आप लोगों को इन सभी स्कोप का अगर सेंसी ज़्यादा है
हर एक का, तो आपको इसको बिल्कुल कम कर देना है, 1% में लगे रख देना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप लोग ना स्प्रे करोगे ना, अगर आप ऑलवेज रो प्लेयर हो, अगर आप स्प्रे करोगे गोली चलाओगे, तो अगर आपका उंगली जो है किसी भी स्किन के इधर उधर टच हो गया ना, तो आपका रिकॉयल गड़बड़ा जाएगा, आपका रिकॉयल खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग ऑलवेज जीरो प्लेयर हो, तो आप लोगों को एडीएस जीरो सेंसी जो है इसको आप लोगों को, मतलब एडीएस सेंसी जो है इसको आप लोगों को जो है एकदम 1% रख के रख देना है। अगर आप लोग ऑलवेज जीरो प्लेयर नहीं हो, ठीक है, आप लोग जीरो पे नहीं खेलते, तो फिर इसको आप लोगों को कस्टमाइज़ करना होगा। अगर आप वीडियो में कमेंट करके बताते हो कि भाई मैं ऑलवेज जीरो खेलता नहीं हूँ, ठीक है, मेरे लिए एक अलग सा सेंसी बता दो, मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बट आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए, ठीक है। तो ऑलवेज जीरो प्लेयर जो है इसको पूरा एकदम 1% रखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इतना हो गया। उसके बाद आता है ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है जायरो सेंसिटिविटी। तो जायरो सेंसिटिविटी आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन नोस्कोप और थर्ड पर्सन नोस्कोप में क्या है आप लोगों का, फर्स्ट पर्सन नोस्कोप और थर्ड पर्सन नोस्कोप का यूज़ क्या है? यूज़ ये है, जब भी आप M416 गन के साथ क्लोज रेंज में बिना स्कोप ऑन करके फाइट लोगे, मतलब हिफर जब मारोगे, हेडशॉट जब मारोगे क्लोज रेंज में, TDM वगैरह में आप लोग जब हेडशॉट मारने जाते हो क्लोज रेंज में, तब आपका एम सही से लगे, इसके लिए ही थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन स्कोप को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है ना आप लोगों को ध्यान देके रखना है, मतलब ये जो दो चीज़ जो है आप लोगों का, ये दो है आप लोगों का क्लोज रेंज का सेंसी, ठीक है, इम्पोर्ट सिटिंग का। तो क्लोज रेंज का सेंसी आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आप लोग इसको जो थर्ड पर्सन नो स्कोप है इसको जो है आप लोगों को पूरा 400 रखना है। इससे जो है ना आपका जो क्विक रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, क्विक स्कोप को आप लोग जो है किसी भी एनिमी के हिट के डायरेक्ट लेके जा पाओगे। मतलब जब आप स्कोप ऑन नहीं कर रहे हो किसी भी बंदे को, जब आप क्रॉसर के मदद से मारने की कोशिश कर रहे हो फटाक से उसके हिट पे, तब ये वाला बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को थर्ड पर्सन को जो आप लोगों को क्या रखना है, थर्ड पर्सन नॉन स्कोप को 400 और फर्स्ट पर्सन नॉन स्कोप को भी आप लोगों को यहाँ पे जो है 235 तक रखना है। उसके बाद आप लोगों को जो आता है TPPM, तो TPPM को आप लोग रखना है यहाँ पे 30 और APPM को आप लोग रखना है यहाँ पे 20, ठीक है, इतना आप लोग रख दिया। उसके बाद आप लोगों को आता है रेड डॉट, तो रेड डॉट में आप लोगों को जो है, जब आप अभी रेड डॉट और 2X 3X और 4X और 6X का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब जायरो सेंसी में, जायरो सेंसी में 2x 3x 4x 6x का जो काम है वो है, जब आप स्कोप ऑन करके गोली नहीं चला रहे हो बट स्कोप ऑन करके जब टारगेट को ढूंढ रहे हो, किसी भी एनिमी को ढूंढ रहे हो, तब आपका जो स्कोप जो मूवमेंट करता है ना, राइट लेफ्ट मूवमेंट करके आप जब एनिमी को ढूंढते हो, तब आपका स्कोप ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट करे, फास्ट मूवमेंट करे, इसके लिए ही इन जायरोस्कोप का सेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसका जो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है और बहुत कम भी नहीं रखना। जो 2x है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या रखना है, 2x को आप लोगों को जो रखना है यहाँ पे जायरोस्कोप का, इसको 400 रखना है। क्यों 400 रखना है? क्योंकि 2x को आप लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 4x को भी क्या 400 पे कंट्रोल कर पाओगे अच्छे से, नहीं, 4x को इसलिए हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे, 4x को 280 रख देंगे। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे रेड डॉट को जो है, यहाँ पे रेड डॉट को भी हम लोग यहाँ पे 300 रख देंगे, क्योंकि रेड डॉट को भी आप लोग अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, इसलिए रेड डॉट को भी आप लोग 400 रखना है। इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप के सेंसी रख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, इससे आपका गेम इंप्रूव होगा। और अभी आप लोग को दिखाता हूँ 3x को क्या रखना है, 3x को भी आप लोगों को इधर क्या रखना है, 3x को आप लोग रखना है 290 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। जितना स्कोप कम होता जाएगा उतना ही स्कोप में आपका सेंसी कम होता जाएगा, मतलब 6x स्कोप का सेंसी आपको क्या रखना है, इसमें 6x स्कोप को रखना है 135। फिर से जो है जायरोस्कोप का सेंसी आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो जायरोस्कोप हमारा सेंसी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आता है हमारा ADS जीरो सेंसी अभी आता है जो है स्प्रे करने के लिए, मेन इंपॉर्टेंस थी, जब आप स्कोप ऑन करके जब गोली चलाओगे तब आपके ADS सेंसी आप लोगों का कम में आने वाला है, ADS जीरो सेंसी कम में आने वाला है। इसी से आपका जो स्प्रे कंट्रोल होगा, जो है आपका जो रिकॉयल नहीं होगा या फिर रिकॉयल ज़्यादा होगा, इसी से कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो आप लोग ADS जीरो सेंसी को आप लोग ध्यान से देखना क्या करना है आप लोगों को। तो ADS जीरो सेंसी में थर्ड पर्सन को जो है आप लोगों को थर्ड पर्सन नोज को आप लोगों को 85 रखना है, 385 रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट पर्सन नोस्कोप को रखना है 235। इसका भी सेम है, और आप अगर आपको दिखा ऊपर जाके भी जायरो सेंसी का भी ऊपर का जो दोनों है सेम है, ठीक है ना, इसका भी सेम ही होना चाहिए। इसका चेंजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका यूज़ उस टाइम होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप हमारा जो आता है ADS जीरो सेंसी में TPPM को आप लोगों को रखना है 30,
ठीक है। उसके बाद APPM का आप लोगों को रखना है 20, ठीक है। अभी आता है स्कोप की सेंसी, जो है मेन सेंसी, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान से देखिए क्या सेंसी रखना है, ठीक है। आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसा आप लोग कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला यूट्यूब में जो आप लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी आप लोग को जो है रेड डॉट की सेंसी क्या रखना है। रेड डॉट की सेंसी जो है आप लोग को रखना है 400, क्योंकि रेड डॉट मैंने बोला जब गोली चलाओगे बहुत ज़्यादा रिकॉल तो नहीं करता, इसलिए रेड डॉट को पूरा फुल करोगे। अगर आप लोग ऑलवेज जीरो प्लेयर हो तो आपको रेड डॉट का रिकॉल होना जीरो हो जाएगा, मैं गारंटी देकर बता सकता हूँ। अगर इसको रखने के बाद एक बार खेल के देखो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 2x स्कोप। 2x स्कोप को जो आप लोग रखना है यहाँ पे, 2x स्कोप आप लोगों का यहाँ पे जो आता है हमारा 2x स्कोप का, आप लोग इसको भी आप लोगों को क्या रखना है 400 रख देना है, एकदम पूरा, ठीक है ना, फुल 400 रखता है। इससे भी जो आपका रिकॉयल एकदम नहीं होगा, जितना कम होगा इसका सेंसी, मतलब अगर आप 2x को अगर ना जीरो करके आपको एक बार आप देखो, जब आप इसका सेंसी कर रहे हो ना, एक बार आप 2x को जीरो करके स्प्रे करके देखो, आपका जो स्प्रे है ना, आपका रिकॉयल क्या होगा बताए, आपका रिकॉयल पूरा ऊपर की तरफ जाने लगेगा, स्कोप पूरा ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। इसीलिए आपको इसको क्या करना है, इसको 2x को 400 रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3x स्कोप। तो 3x स्कोप को आपको क्या रखना है, 3x स्कोप रखना है 300, ठीक है। जितना स्कोप बनना बढ़ेगा, मतलब 2x से लेके 6x तक, 6x में जितना होगा उतना कम रहेगा सेंसी। तो हमारे पे 3x मैंने बता दिया, 3x को 300 रखना है। 4x को क्या रखना है, 4x को 300 से कम रखना है। तो क्या रखना है यहाँ पे, 280 तक रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 280 रखो, कम से कम 270 तक रखो, ठीक है ना, इसके बीच ही रखना है, ठीक है। मेरे लिए जो बेस्ट है, मैंने अपना बहुत सारे दोस्तों को भी यही सेंसी रिकवर, मतलब पूरा सेंसी करके दिया है, उन लोगों ने इसका यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा रिकॉल कंट्रोल कर पाते हैं वो भी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, मैं फालतू में वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँ, मैं पूरा देख के 2-4 मोबाइल में उसको सेंसी का यूज़ करके मैंने देखा, उसके बाद मैंने आप लोग को सेंसी दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है 6x स्कोप, जो सबसे फेवरेट स्कोप होता है बहुत सारे लोगों का इम्पोर्ट सिस्टम के साथ, ठीक है ना। तो 6x स्कोप का सेंसर आप लोग रखना है 135 तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 140 रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, इससे ज़्यादा रखोगे तो आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे स्कोप को, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों को सभी सेंसिटिविटी सेंस के बारे में बेस्ट और डिटेल में वीडियो बना के बता दिया आप लोगों को, आप भी आप लोग बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग इस सेंसिटिविटी सेंस को अभी का अभी अप्लाई करके आप लोग अपने मोबाइल में अप्लाई करके देखिए, और आपका भी सेंसिटिविटी देखो कि ऐसा होता है कि नहीं, और मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो को पसंद था लाइक करे, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। इसी टाइप के इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और सेंसिटिविटी सेंस को वीडियो देखना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।